नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो ऑप्शन चेन एनालिसिस की कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, और दूसरी चीज़ है मल्टीपल कन्फर्मेशन में ऑप्शन चेन कैसे हेल्प करता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस हमेशा, आप चाहे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करें या प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, ये आपके ट्रेंड कन्फर्मेशन में बहुत ही कन्फर्म भूमिका निभाता है। यानी कि अगर ऑप्शन चेन ने आपको कह दिया कि मार्केट बुलिश जाएगा तो फिर मार्केट बुलिश जाएगा, और अगर बोल दिया कि मार्केट बेरिश जाएगा तो मार्केट बेरिश जाएगा। अब ज़रूरत है इसको सही ढंग से एनालाइज करने की और उसको इंटरप्रेट करने की, ताकि आपको पता चल सके कि ऑप्शन चेन बोल क्या रहा है। आप इसकी लैंग्वेज समझने में गलती कर देंगे तो फिर आपको ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के फायदे ये हैं कि पहली बात तो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन आपको कभी भी एंट्री तो इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन इन एडवांस टारगेट आपको नहीं बता सकते। इंडिकेटर तो जब प्राइस घूमता है तब वो बताता है कि हाँ भाई प्राइस घूमा है, जब मोमेंटम आ गया रहता है तब बताता है कि मोमेंटम आ गया। प्राइस एक्शन थोड़ी सी आपको एडवांस में सूचना देता है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं रहता है। अभी के कैंडल में मोमेंटम है या अभी के कैंडल ने मोमेंटम दिखाया है, ये तो प्राइस एक्शन में आपको पता लगेगा, लेकिन कब तक ये मोमेंटम रहेगा, प्राइस कहाँ तक जाएगा, कहाँ से घूमेगा, इसका एग्जैक्ट पता नहीं रहता। आप अंदाजा लगा सकते हैं ड्यू टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ कई दफ़े प्राइस हॉल्ट किया है वहाँ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वहाँ हॉल्ट कर सकता है, लेकिन अब उसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। कभी क्रॉस कर जाता है, कभी नहीं कर पाता है। जबकि ऑप्शन चैन जो है वो आपको बताता है कि भाई कन्फर्म मोमेंटम है, कन्फर्म ट्रेंड है, और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ तक प्राइस जाएगा उसका भी एक अंदाजा आपको देता है। तो ऑप्शन चैन आपको ट्रेंड का कन्फर्मेशन देता है, मोमेंटम का कन्फर्मेशन देता है, और टारगेट का कन्फर्मेशन देता है। तो ये तीनों चीज़ जो अपने को रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन चैन एनालिसिस से पता लगता है। इसका कारण ये है कि देखिए, मोमेंटम हमेशा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से आता है, क्योंकि भाई जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही तो मोमेंटम आएगा। जितने लोग खरीदेंगे या बेचेंगे उतना ही मोमेंटम रहेगा। अब खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा हो गई तो मार्केट बूम करेगा, और अगर बेचने वाले बायर्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मार्केट फॉल करेगा। तो अब कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कितनी ओपन इंटरेस्ट बन रही है, कितनी बिगड़ रही है, कहाँ बन रही है, ये ऑप्शन चैन से पता लगेगा। और ऑप्शन चैन में जो कॉल और पुट का डिफरेंस है, अब एक ही स्ट्राइक पर मान लीजिए कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से 2 लाख ज़्यादा है, तो डेफिनेट बात है कि वहाँ पर मार्केट जिसकी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है उसी के फेवर में जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम कम होगा तो मोमेंटम कम आएगा। तो ये सारी बेनिफिट्स जो है ऑप्शन चैन एनालिसिस से मिलती है, जो कि प्राइस एक्शन या किसी भी इंडिकेटर में आपको नहीं मिल सकती। तो आपको कोई भी ट्रेड लेने के पहले ऑप्शन चैन में 2-3 कन्फर्मेशन अवश्य देख लेना चाहिए। क्या क्या कन्फर्मेशन है? एक तो ऑप्शन चैन के हिसाब से आप जहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं उस जगह पर कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशन क्या है, खास करके एटीएम स्ट्राइक्स का। एटीएम की समझ लीजिए 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे, यानी कि ये जो एटीएम से ऊपर नीचे का भाग है ये 3 स्ट्राइक का भाग है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही होगी वही मार्केट को मूव कराएगी। यहाँ पे अगर कॉल राइटर ज़्यादा तगड़े होंगे तो मार्केट बेरिश होगी, और अगर पुट राइटर तगड़े होंगे तो मार्केट बुलिश होगी। अब कॉल राइटर और पुट राइटर में आउटस्टैंडिंग सेंटिमेंट क्या है, अभी का सेंटिमेंट क्या है, कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज और पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज में कितना का डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस मान लीजिए 5,000 का हो तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही डिफरेंस 2.5-3 लाख का हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे जो पीसीआर है, यहाँ पे जो 3 स्ट्राइक है, 3 स्ट्राइक का पीसीआर कितना है, 3.90, और इसमें पुट का और जो कॉल का डिफरेंस है कितना है, 1,71,000 है। तो ये अच्छा डिफरेंस है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे कॉल राइटिंग केवल 58,000 हुई है, जो कि पुट की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन अच्छे मोमेंटम के लिए इसमें और ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए था, कम से कम 2 लाख से ऊपर होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए 2,22,000 का डिफरेंस है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए था, खास करके जब कॉल वाले अपनी पोजिशन छोड़ करके भाग रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये 2 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए था। जो भी हो, 1.78 भी खराब नहीं है। यहाँ पे 2,28,000 का डिफरेंस है। ये जो 4 तरह के ओपन इंटरेस्ट और उसका पीसीआर दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट तो आपको ओवरऑल सेंटीमेंट बताता है एक हफ्ते भर का, और ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है आज की साइकोलॉजी बताता है कि आज किधर जो है ओपन इंटरेस्ट बन रही है, किधर की कट रही है, कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, कौन कम कॉन्फिडेंस में है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल बताएगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज डे का बताएगा। 9 स्ट्राइक जो है ये आपको एटीएम से 9 स्ट्राइक ऊपर 9 स्ट्राइक नीचे की ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर बताएगा। तो ये 9 स्ट्राइक का जो पीसीआर है मार्केट को क्रिस्टल क्लियर बुलिश होने के लिए, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट चेंज का जो पीसीआर है, यानी कि ये जो है 1.55, अगर क्रिस्टल क्लियर बुलिश मार्केट है
तो हमेशा ओपन इंटरेस्ट चेंज से ज़्यादा होगा। अगर ये ओपन इंटरेस्ट चेंज से कम दिख रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट का पूरा बुलिश सेंटिमेंट नहीं है। यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट चेंज की अपेक्षा कम दिख रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेग्नेंसी आपको दिखाई देगी। और ये जो 3 स्ट्राइक का PCR है, ये 9 स्ट्राइक के PCR से दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना मार्केट बुलिश होगा। अगर यही 5 होता तो मार्केट आपको अच्छी खासी बुलिश दिखाई देती। तो ट्रेड लेने के पहले आपको ये कन्फर्मेशन जरूर कर लेना चाहिए कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का PCR, ओपन इंटरेस्ट चेंज का PCR, 9 स्ट्राइक का PCR और 3 स्ट्राइक का PCR क्या कह रहा है। अगर ये आपको अपने फेवर में दिखता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट का PCR आपको अपने फेवर में नहीं दिखता है तो फिर आप ट्रेड मत लीजिए, उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि तब आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अगर आप बुलिश ट्रेड कर रहे हैं तो ये याद रखिए, हमेशा ओपन इंटरेस्ट चेंज का PCR पॉजिटिव ही होना चाहिए। 1 से कम ओपन इंटरेस्ट चेंज का PCR नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, 9 स्ट्राइक चेंज का PCR ओपन इंटरेस्ट चेंज PCR से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं चलेगा। 3 स्ट्राइक चेंज का PCR 9 स्ट्राइक से कम दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है तो ये यकीन रखिए कि आज प्राइस में मूवमेंट अच्छा आएगा और प्राइस घूमेगा नहीं। दूसरा कन्फर्मेशन है बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट स्टॉक्स हैं उनका एडवांस डिक्लाइन रेशियो। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है तो मार्केट आपको बीच में धोखा नहीं देगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए 10 एडवांस है, 2 डिक्लाइन है, तो इतना तो श्योर है कि मार्केट नहीं गिरेगा। अगर उठेगा नहीं तो कम से कम गिरेगा नहीं, जिस लेवल पे ओपन हुआ है उससे ऊपर ही जाएगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा 10 और 2 का रेशियो है, यानी कि 5:1, तो ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। और इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी में आपको 0.75%, अब यहाँ पे वेटेज दिखा रहा है, एक्चुअल में बैंक निफ्टी 0.82% बढ़ा। और वहीं पे आप निफ्टी में देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 29:20 है, यानी 29 एडवांस और 20 डिक्लाइन, तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से आपने देखा निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, निफ्टी साइडवे था। और भारी गैपअप के बावजूद 81 पॉइंट का गैपअप हुआ, उसके बावजूद 0.69% बढ़ा है। उसी तरह से बेयरिश साइड में भी अपने को चारों जो है वो बेयरिश चाहिए। टोटल ओपन इंटरेस्ट का PCR अगर बेयरिश हो तो अच्छा है, 1 से नीचे रहे तो। ओपन इंटरेस्ट चेंज का PCR तो बेयरिश होना ही चाहिए। 9 स्ट्राइक चेंज का PCR ओपन इंटरेस्ट चेंज PCR से कम होना चाहिए और 3 स्ट्राइक PCR 9 स्ट्राइक चेंज PCR के दुगने से कम होना चाहिए, तब समझ लीजिए कि मार्केट अच्छा खासा बेयरिश जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने पहले के वीडियो में बताया था कि IV और प्रीमियम प्राइसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब जैसे कॉल साइड में IV 7.89 और पुट साइड में IV 9.38, तो इसका मतलब यह है कि कॉल साइड के प्रीमियम हमें सस्ते मिल रहे हैं, जबकि आप देखिए कॉल साइड का प्रीमियम 1.02 है और पुट साइड का प्रीमियम 72.85 है। अगर यही डिफरेंस 40-45 का होता तो समझ लीजिए कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश जाएगा। तो यहाँ IV कम होने के बावजूद प्रीमियम प्राइसेस ज़्यादा है, तो IV इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपैरेटिवली चीपर है। तो अगर IV भी कम हो और प्रीमियम प्राइसेस भी पुट साइड की अपेक्षा 40-45 रुपये ज़्यादा हो तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन चैन में जो ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज होते हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अब अगर मान लीजिए कॉल साइड और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, किसी स्ट्राइक पे मान लीजिए कॉल साइड में 2.5-3 लाख ओपन इंटरेस्ट बनी हुई है और आज बन भी रही है, और वहीं पे सेम स्ट्राइक पे पुट साइड में, खास करके ATM पे अपने ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है और बिल्डअप भी कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो सपोर्ट को ब्रेक होना ही है। तो ऑप्शन चेन से अगर ये सारे कन्फर्मेशन आप लेकर के ट्रेड करेंगे दोस्तों तो प्राइस के बीच में घूमने का आपको कोई डर नहीं रहेगा और आप बेखटके ट्रेड कर सकते हैं। कोई कोई दिन ऐसा बुलिश होता है कि मार्केट सारा दिन बुलिश या सारा दिन बेयरिश रह सकता है। वैसे कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन चेन से कन्फर्मेशन मिलता है तो आप सारा दिन ट्रेड में बने रह सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी डर भय के। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइए, लेकिन आप होल डे बने रह सकते हैं और फुल रैली का फायदा उठा सकते हैं अगर आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस अच्छे से करें तो। अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो बोल दिया कि भाई ये 3 स्ट्राइक 9 स्ट्राइक ज़्यादा कम सब ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ये गूगल शीट का डेटा है और ये कभी कभी 5-7 मिनट लेट होता है और इन जनरल 1-2 मिनट लेट रहता है, तो ऐसे केस में तो डिले हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, वहाँ पे मार्केट मूव कर गया, तो ऐसे कंडीशन में आदमी जो है बहुत दिक्कत में पड़ सकता है। लेकिन आपको ट्रेडिंग डिसीजन में ये तीनों चारों जो PCR हैं ये मदद करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डाटा भले 1-2 मिनट लेट होता हो लेकिन ये है बहुत काम का, खास करके एंट्री लेने और बने रहने में, तो ये काफ़ी मदद करेगा। लेकिन इस डिले का भी एक उपाय है,
एक वेबसाइट पे अपने आप को ले चलते हैं जो कि आपको आपके सेलेक्टेड स्ट्राइक्स के ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस और पीसीआर आपको टाइम टू टाइम यानी कि टाइमली देता रहेगा। तो आप वहाँ से भी कंफर्मेशन कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये हम लोग ट्रेडिंग टिक पे आ गए हैं, tradingtick.com। तो ट्रेडिंग टिक काफ़ी अच्छे से आपको कॉल और पुट का रेशियो, ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें देगा। हालांकि आपको जो आपको गूगल शीट का जो पीसीआर है वो देखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और दिखाने से पहले आपको ज़रा सा इंट्रोड्यूस कर दें। ये तो ओपन इंटरेस्ट डाटा है जो कि मैंने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, इस पर आपको क्लिक करके दिखा दें। ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का चार्ट है और ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। बाकी ये ट्रेंडिंग ओपन स्ट्राइक्स है जो कि आपको बताएगी कि किस स्ट्राइक पे कौन कौन सी मेजर स्ट्राइक हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल चार्ट। अगर आप कोई स्ट्रेडल लेते हैं, स्ट्रैंगल लेते हैं तो उस स्ट्राइक पे आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह मिल सकती है। ये फ्यूचर डेटा है इंडेक्स और स्टॉक का, और स्ट्रेडल जो है ये स्ट्रैंगल चार्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल वर्सेस पुट का डेटा जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक फॉर्म खुल गया जिसमें आपको पहले में कौन सा इंडेक्स लेना है वो भरना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। उसके बाद में डेटा टाइप में आपको क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चेंज चाहिए, सीईपी डिफरेंस चाहिए, पुट कॉल रेशियो चाहिए या ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट चाहिए, वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आपको रेंज सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे मान लीजिए मार्केट 19500 पे है, तो अगर आप चाहें तो 18500 से 20500 तक भी ले सकते हैं, लेकिन इतने डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने 19250 से 19750 तक का रेंज सेलेक्ट कर लिए ताकि हमको एटीएम से बराबर की दूरी के स्ट्राइक्स की स्टडी मिल सके। तो यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट चेंज का चार्ट आपको दिखाया गया। इस जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर जो है ये कॉल का है और रेड कलर पुट का है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पुट जो है वो कॉल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, इसका माने पुट राइटर जो है वो अपनी बढ़त बना रहे हैं। 9:30 के बाद ही आप देखिए यहाँ पे पुट राइटर्स ने बढ़त बना ली। ये डिफरेंस बढ़ते 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 अपने पीक पे कहाँ गया, लगभग 12 बजे के आसपास ये डिफरेंस पीक पे पहुँचा, और डिफरेंस हाईएस्ट जो है वो 1 बजे था, और 1 बजे आप देखिए मार्केट में हाईएस्ट लेवल देखा गया। उसके बाद से कॉल और पुट का डिफरेंस घटते गया, पुट राइटिंग कम होती गई और कॉल राइटिंग बढ़ती गई, और मार्केट में गिरावट देखी गई। ये डिफरेंस सबसे कम हुआ कब, 2:15 पे, और 2:15 पे आप देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज किस तरह से हो रहा है उसकी एनालिसिस मिल जाएगी। और अब देखिए आपको सीपी का डिफरेंस पे लेकर के चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो ब्लू लाइन अपने को दिखाई दे रही है, ये सीईपीई का डिफरेंस निकाल करके जो वैल्यू आई उसी बेसिस पे ये लाइन बनाई गई है। तो अब देखिए जहाँ से सीईपीई का डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ, आप समझ लीजिए कि ये कॉमन लेवल था, सवेरे से मार्केट इसी रेंज में थी, यानी कि डिफरेंस जो है इसी रेंज में था, और उसके बाद जब डिफरेंस इस रेंज को क्रॉस किया तो मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, और डिफरेंस जहाँ तक मैक्सिमम पहुँचा था सीपी का, यानी कि पुट वाले काफ़ी ज़्यादा थे कॉल वालों की अपेक्षा, वहाँ तक मार्केट जो है हाईएस्ट गया। और जब डिफरेंस कम होना शुरू हुआ तो देखिए मार्केट भी गिरना शुरू हुआ, और जब डिफरेंस मिनिमम तक पहुँच गया मार्केट वहाँ तक गिरा, फिर जब डिफरेंस बढ़ना शुरू हुआ अगेन मार्केट राइज किया, और जब स्टेगनेंट हो गया तो यहाँ मार्केट हल्का सा करेक्ट हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सीपी के डिफरेंस का कितना असर पड़ता है, खास करके जो एटीएम स्ट्राइक्स के आसपास की स्ट्राइक्स हैं। और अब आपको दिखाते हैं पुट कॉल रेशियो का क्या असर पड़ता है। तो ये देखिए पीसीआर का कितना, यहाँ से यहाँ तक पीसीआर जो है ये स्टैग्नेंट था, 0.53 से लेकर के 1.03 के बीच में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 0.75 के आसपास रहा होगा। उसके बाद इस लेवल से जब पीसीआर बढ़ना शुरू हुआ तो प्राइस भी बढ़ना शुरू हुआ, और पिक लेवल यानी 1.03 तक पहुँच गया तो वहाँ मार्केट स्टैग्नेंट हो गया। यहाँ से जब पीसीआर घटना शुरू हुआ तो मार्केट भी नीचे आना शुरू हुआ, और पीसीआर में जब इम्प्रूवमेंट आया तो मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट आया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीपी का डिफरेंस या पीसीआर रेशियो या ओपन इंटरेस्ट चेंज, तीनों लगभग एक ही चीज़ को मेजर करती हैं, इसका मार्केट के ऊपर में कितना असर पड़ता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर पीसीआर असेंडिंग है यानी कि बढ़ रहा है तो मार्केट गिर नहीं सकता, और अगर पीसीआर डिसेंडिंग है तो मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता। तो अगर इन चीज़ों को आप अपने प्राइस एक्शन या इंडिकेटर के साथ में देख करके चलिएगा और दोनों को कंबाइन करके डिसीजन लीजिएगा, तो दोस्तों कोई कारण नहीं है कि आपका ट्रेड गलत होगा और आप ट्रेड लेंगे और उसमें लॉस में निकलेंगे। लॉसेस अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपके नहीं होंगे, एकदम क्लियर कट बात है।
तो आशा है दोस्तों आप इन बातों को मान करके अपने पहले इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है आपको कुछ दिन एक साथ में सारा डेटा देखने में दिक्कत हो, तो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज कर लीजिए कि हमारे ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या हैं। मैंने पहली चीज़ तो हमारा ट्रेडिंग हम कब एंट्री करेंगे। अब जैसे बहुत सारे लोगों का रूल है कि भाई जब सपोर्ट को ब्रेकआउट देगा या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा वहाँ से रिजेक्शन होगा। बहुत सारे लोग कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे रिवर्सल करते हैं। तो आपका जो भी ट्रेडिंग में एंट्री का एंट्री रूल है, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन बेस्ड करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड करते हैं। तो आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको आप पहले तो राइट डाउन कर लीजिए कि इस कंडीशन में हम एंट्री लेंगे, इस कंडीशन में नहीं लेंगे। अब उसके साथ में आप इसको ऐड कर लीजिए कि हमारा इंडिकेटर या प्राइस एक्शन हमको एंट्री देगा, और उसके साथ में अगर PCR ये है या ओपन इंटरेस्ट चेंज ऐसा है, ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस ऐसा है, प्रीमियम वैल्यू कॉल और पुट का ये है, तो इन कंडीशन में हम एंट्री लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा आपका चेक पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये चेक पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देगा अगर आप इस ढंग से मल्टीपल कन्फर्मेशन लेकर के चलिए। तो आशा है दोस्तों आप इन बातों को फॉलो करेंगे और उससे आपके नुकसान की समस्या काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगी। अब इसके अलावा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। साथ में इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जब फायदा होने लगता है तो लोग ग्रीड में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। तो ये चेकअप अगर आप लेकर के चलेंगे तो आशा है दोस्तों आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और आप अच्छा पैसा कमा पाएँ यही मेरी शुभकामना है। आप सक्सेसफुल ट्रेडर बने, बड़ा पैसा बनाएं, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।